अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेसनिक वालकर का 10th एडिशन है, चैप्टर 26, करंट एंड द रेजिस्टेंस, प्रॉब्लम 31। वो कहता है एक केबल है जिसमें 125 स्ट्रैंड्स हैं, जिसके हर एक की रेजिस्टेंस 2.65 माइक्रो एम्पियर है, यानी आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है। वो कहते हैं जब पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो टोटल करंट इतना चलता है। अब हमसे हर एक में करंट पूछा जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है, टोटल रेजिस्टेंस केबल की पूछी जा रही है। अब जनाब V=IR, अब हम जानते हैं टोटल करंट आपका इतना है मिला के, 125 एम्पीयर यानी वायर्स के अंदर से गुजर रहा है, तो 125 I मिल के कितना आ रहा है, 0.75। तो आप 125 इधर जाके डिवाइड कर देंगे तो 6×10^-3 एम्पीयर का करंट पास कर रहा होगा। अब V=IR हमें हर एक की करंट पता है, हर एक की रेजिस्टेंस पता है, ईच है ना, हर एक की रेजिस्टेंस इतनी है, तो वो 1.59×10^-8 वोल्ट आ जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस चूंकि आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है, पैरेलल में लगी हुई है, तो पैरेलल में आइडेंटिकल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट आ जाएगा R/N के, तो हर एक की रेजिस्टेंस पता है, टोटल तादाद पता है, तो 2.12×10^-8 ओम आ जाएगी। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है जनाब। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।